20 साल का हूँ और 25-30 साल की उम्र में जो एक्सपोजर जो ये IAS या फिर UPSC प्रोवाइड करता वो बाकियों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ क्यों करनी है। परीक्षा ऐसी है कि आपको 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूरा लिखना है। कैलकुलेटर स्टडी का कोई मतलब नहीं है। आखिरी दिन कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी बेटर हो सकता है। और ये UPSC की जर्नी की बात की है तो ये जर्नी पूरी उतार चढ़ाव वाली थी। एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बड़ा भाई होता है। अनुभव, उनके पास जीवन के अनुभव जो है वो बहुत गहरे हैं। 45th रैंक JEE एडवांस OBC में लेने के बाद आज IAS में भी वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। पूरे भारत की यदि सबसे किसी की ड्रीम एग्जाम होती है, IIIT जिनको बोलते हैं, एक IAS है, एक IIT और एक IIM होता है। तो IIM बाकी बचा, बाकी दो आपने क्रैक कर लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में। और आप देख रहे होंगे कि मेरे दोनों तरफ साफे पहने हुए कुछ लोग बैठे हैं। सामान्यतः ऐसे दृश्य जीवन में जब देखने का अवसर आता है तो वो गर्व के पल होते हैं। आज हमारा एक बच्चा जिसने हमारे यहाँ से, हमारे आंगन में पढ़ करके IIT में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, OBC में ऑल इंडिया 45th जिसकी JEE एडवांस में रैंक रही, वहाँ से वो दिल्ली IIT पहुँचा। दिल्ली IIT से अपनी इंजीनियरिंग को क्लियर करने के बाद में सपना देखा कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनूं। और आज ही अवसर हम सब के जीवन में है कि वो बच्चा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना। सामान्यतः बहुत बार मैं कहता हूं, आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि आपकी सफलता पर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरुजन। क्योंकि हम सदैव चाहते हैं कि हमारी जड़ों से हमारी शाखें बड़ी हों, वो ज्यादा बड़ी बने, वो ज्यादा समृद्ध बने, तो हम सबके जीवन में एक संतोष का भाव आता है, गर्व का भाव आता है। बाई ओर मेरे हिमांशु रिवाड़ बैठा है। ये हिमांशु जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, हमारे लिए बिल्कुल हमारा बच्चा है क्योंकि हमारे पास इसने अध्ययन किया है। पर सबसे बड़े बधाई के पात्र यदि कोई है तो वो हिमांशु के बाई ओर बैठी हुई हिमांशु की माता जी हैं। आप सरोज जी हैं और आपके ही गोद में खेलकर इस बच्चे ने अपने जीवन के संस्कार प्राप्त किए, अपने जीवन में सफलताओं को कैसे पाना है इसका मार्ग इसने प्रशस्त किया और आज गर्वित माता पिता के रूप में आप हमारे सबके मध्य बैठी है। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उनके बाई ओर बैठे हैं बीरबल जी। पिता की भूमिका थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पिता को कठोर भी होना होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है पर उतनी व्यक्त नहीं कर पाते हम लोग। पर आज मुझे लगता है कि अवसर है कि बीरबल जी इस प्रसन्नता को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो लंबे समय से, 2016 में हिमांशु है वो पास आउट हुआ था, लेकिन 16 से लेकर आज 24 तक की यात्रा में हमें कभी नहीं लगा कि बीरबल जी का आज भी कोई बच्चा वहां नहीं पड़ रहा है। जब भी हमें काम होता है तो हम बीरबल जी से बात करते हैं और हमारे बिल्कुल एक संरक्षक के नाते बीरबल जी हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बीरबल जी के बिल्कुल बाई ओर नरेंद्र जी बैठे हैं, झुंझुनू के एक बड़े शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं। और मजे की बात यह है कि अपने स्कूली जीवन में बच्चे कैसे बेहतर करें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर हिमांशु के मामा जी बैठे हैं, बड़े मामा जी हैं, छोटे मामा जी हैं, मामी जी हैं, मतलब पूरा परिवार बैठा है, आस पड़ोस के लोग सब बैठे हुए हैं। और खुशी का ऐसा अवसर होता है तो सब लोग हम इकट्ठे होते भी हैं। आज हम बात करेंगे, जानेंगे इस जो हिमांशु के जीवन के अनुभव है उनके बारे में भी, माता पिता से भी जानेंगे। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा वो माता जी से पूछूंगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तो महिलाओं की एक स्थिति और है। आप तो स्वयं सरकारी सेवा में हैं, आप अध्यापिका हैं, बीरबल जी स्वयं अध्यापक है। हमारे यहाँ तो अध्यापिका नहीं भी होता तो मान लीजिए यदि व्यक्ति जो है वो यदि अध्यापक है तो हमारे मास्टर जी। और खास करके जब बच्चे अच्छा कर लेते हैं तो फिर माँ के साथ में वो डिग्री जुड़ जाती है। मुझे लगता है कि आज हिमांशु नहीं, आज आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनी है क्योंकि आपका बच्चा यदि वहां बैठता है तो गर्व की बात है। अब तक आपने भी जीवन में अच्छी सफलताएं पाई है, पर इस सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है जी, और इस सफलता को प्राप्त करके जीवन में बहुत बड़ी खुशी हुई। सही बात है, हमें लगता है जीवन सफल हो गया। हाँ, बहुत सफल हो गया। मतलब हमारी जीवन की सफलता बच्चों से तय होती है, वो सफल हो गए। हिमांशु का बचपन कैसे क्या रहा, कहाँ इसने पढ़ाई करी, आपको कैसे, क्या आपके अनुभव है इसके बचपन को लेकर के? हिमांशु शुरू से है ना राजस्थान स्कूल में पढ़ा जी, और ये छोटा सा था तो बहुत नटखट था जी। अब जब ये 8-9 महीने का था ना तो सब बच्चे यूं चलते हैं। हाँ। लेकिन ये पेट के बल चल के यूं बड़ा एक्टिव था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो ये एक साल यहाँ भी था जिस स्कूल में भी पढ़ा, छोटा था तो जी नहीं पाते जी। लेकिन ये बचपन में बड़ा एक्टिव था, खेलने में, कूदने में और हर चीज में थोड़ा सा ये एक्टिव था। ठीक है, कि जितना टाइम खेलना उतना टाइम खेलता ही, जितना टाइम पढ़ना पड़ता जी, दिन के अंदर ये कभी नहीं सोता। हम तीनों सो जाते, लेकिन ये तो
यूं घूमता रहता, कोई चीजें करता रहता कि भाई कुछ ने कुछ कोई तार जोड़ लिए, कोई और कोई बैटरी बना ली, इंजीनियरिंग के जो लक्षण थे वो बचपन से थे। एक बार तो छोटा था ये, तो चौथी क्लास में इनको सिखाया कि भाई इस्टे तो स्कोप है, तो कोई गत्ते का बना लिया और गैस की पाइपलाइन लगा ली जी, और वो धड़कन सुना था मम्मी। फिर एक बार क्या है कि उसने कोई ये सेल जोड़ के और थोड़ा सा बल्ब है ना वो चालू कर दिया। अच्छा। एक गत्ते पर सेल और कोई तार जोड़ के और बल्ब को चालू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत करता था, इस दिन के अंदर सोता नहीं, बस यही काम था इसका। मतलब हमारे वो कहावत चलती है कि पूत का पग पालन है भूखा पग पे सहारा है, तो बचपन में लग गया था। तो बीरबल जी, इसको इंजीनियर बनाने का निर्णय इसका खुद का था कि आपका था? ये खुद का ही था। खुद का ही था, मेरा डॉक्टर का था। अच्छा। इसका मम्मी का, इसका इंजीनियर की, मतलब इसका जो शुरू से बचपन का जो ध्यान था वो इंजीनियरिंग साइड से था। अच्छा, डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर है। ठीक है ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया ना, हाँ। उस टॉपिक को घर आके जो का तो करना, स्टेथोस्कोप पढ़ाया तो एक बड़ा डिब्बा लेके उसके ऊपर वो कुछ लगा के ऐसा करके अपना यस के पाइप के दोनों मतलब वो लगा के और कान से उसको सुनना, स्टेथोस्कोप से आवाज आती। ठीक है। और इस मम्मी ने जैसा बताया, फिर एक बार के बाद करीब सातवीं क्लास में था, तो हमारे पड़ोस में डिगाल के कोई बच्चे आईआईटी में गए थे, तो उसने खाना खा रहा था कि मम्मी आईआईटी में क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई इसमें साइंस वैज्ञानिक बनते हैं और वो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, जैसे अपने मोबाइल है, फोन है, एरोप्लेन, कोई भी चीज है। तो दो तीन दिन बाद में खाना खा रहा था, उसी टाइम रोने लग गया। इस मम्मी ने कहा कि रो क्यों रहे, कि आविष्कार तो सब हो गए, मैं क्या करूंगा फिर क्या कि मुझे क्या करना है। ठीक है, कि आजकल तो सब चीज बढ़ गई, मैं क्या करूंगा। ठीक है, बचपन से इसका इस वो था। अब आईआईटी में तो आप लोगों का मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान था जी, हम तो इतना सपना लेके नहीं चले कि 45 रैंक आएगी इसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया रैंक के साथ। हां, गोरा जी वो झुंझुनू आए हुए थे जी, तो मैंने कहा कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हां, बोले हम उम्मीद करते हैं कि टॉप 100 में आई हो, टॉप 100 में। अरे वो टॉप 100 की छोड़ो, 10,000 में तो आ जाएगा। निकाल के पास जो है जी जी, बोले गुरु जी आप कैसी बात करते हो। सही बात है, उनको पूरा यकीन था, पूरा यकीन था, बिल्कुल ठीक है। बुड़क साहब उनको पूरा था कि भाई ये अच्छा करेगा, बिल्कुल सही बात। और वही हुआ जो उन्होंने सोचा, सही बात। कोचिंग का भी बहुत पूरा उसके बाद बहुत ज्यादा जो आईआईटी में हुआ, तो मेरा सपना एक और टक गया। हां, कि भाई आईएएस बने, तो मैंने आईएएस की बात रखी कि अब मेरे को कुछ नहीं, जो मिलना था मिल गया और मैं इसी क्षेत्र में प्रोग्रेस करूंगा, तो मेरा तो थोड़ा ध्यान उधर ही था। ठीक है, मेरे इसकी मम्मी ने समर्थन कर दिया कि बच्चा जैसा करता करने दो। अब मैंने इधर नरेंद्र जी है वो रहे, जैसे और कोई लोगों को चौथा प्रयास है इसका, लेकिन आप प्रयास नहीं कर सकते, प्रीलिम्स में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। ठीक बात है। तो इसका आईआईटी में इसका सेमेस्टर सितंबर में हुआ था, 2 महीने बाद प्रीलिम्स उसमें पास हो गया, बड़ा चंबा हुआ, सोच ही नहीं सकते कि आईएएस भी पास करना। ठीक बात है। तो अब मेन का 3 महीने थोड़ी करीब जाती है। हां सही बात है। मेन दिया, अब एक इसका अटेम्प्ट हो गया। हां अटेम्प्ट कोरोना की वजह से वो डिस्टरबेंस रहा, कोई कोचिंग नहीं ले पाया कुछ। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में हुआ क्या कि सेशन को टाइम पर आने के चक्कर में 3-4 महीने परीक्षा पहले करवा ली, तो इसका कहने का टाइम बहुत कम। अब 2020 का पास आउट सितंबर का, सही बात है, 3.5 साल हो गया। अभी प्रयास 4 मान लो चाहे 3 मान लो, हां नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें देखो तो 2 प्रयास मान दो इसका, ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से है। ठीक बात है। हिमांशु आपको बधाई तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। आप तो ये बताओ कि पापा का सपना था कि अपने को आईएएस करना है, अपना सपना भी आईआईटी में जाते जाते पलने लगा था दिमाग में, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना है, और मम्मी पापा ने भी बताया, जितना मैं आपके पढ़ाने वाले टीचर से भी बात मैंने की तो उस पता चला कि भाई आईआईटी के टाइम पर ही आपकी सिंसियरिटी ये थी कि अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छे इंजीनियर बनने के सारे गुण थे, पढ़ाई भी करनी टाइम पर, अपने मस्ती भी करनी है, सारे करते थे। आईआईटी में जाकर के लगा कि आईएएस करना है क्या, पापा कहते थे, इसलिए धीरे-धीरे दिमाग में आया। आईआईटी में जाने के बाद में थर्ड ईयर में निर्णय तो लेना होता है कि पूरे जीवन भर आगे क्या करना है। ठीक है, वो निर्णय लेते टाइम पापा क्या सोच रहे हैं वो कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कि उस टाइम पे
कई चीजें थी जिनको देखकर निर्णय लिए, जैसे कि एक तो कि जिस समाज से वापस आए हैं उसी को ही कंट्रीब्यूट करने में क्या खुद का क्या रोल हो सकता है, खुद किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको ध्यान में रखते हो। और दूसरा ये कि अभी उस टाइम पे ये लगा कि अभी 20 साल के हैं और 60 साल के होंगे तब कौन सी ऐसी चीज है जिस में हम कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंटली चेंज आ सकता है। सही बात है। तो फिर और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो देखा जाए तो काफी ज्यादा वही जो पहले बोला था कि एडवांस हो ही चुकी है लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा समाज है हमारे लोग हैं उनके लिए वापस कुछ कंट्रीब्यूट करके वापस देने का जो मन से इच्छा हुई तो फिर उसके कारण धीरे धीरे अच्छा टूल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो सकती हैं भाई। इंजीनियर के रूप में भी हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हमारे हाथ में यदि मान लीजिए शासन प्रशासन हो, व्यवस्था हमारे हाथ में हो तो समाज को देना ज्यादा आसान लगता है। हाँ, हर एक प्रोफेशन का अलग वैल्यू है, अलग तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर अध्यापक है तो वो उस तरीके से आपसे, अगर कोई बिजनेसमैन है, लेकिन मेरे को लगा कि अगर 20 साल का हूँ और 25-30 साल की उम्र में जो एक्सपोजर जो ये IAS या फिर UPSC प्रोवाइड करता वो बाकियों के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो वो एक्सपोजर गेन करके एक्सपीरियंस के हिसाब से बाकी चीजों के हिसाब से ये काइंड ऑफ क्विकेस्ट पार्ट लगता था, तो फिर इस दिशा में आगे बढ़े। क्विकेस्ट था पर मुश्किल बहुत था, आसान नहीं है क्योंकि पूरे भारत की यदि सबसे किसी की ड्रीम एग्जाम होती है, बेसिकली तीन मानी जाती है, तीन में से दो आपने कर ली है, IIIT, IIIT जिनको बोलते हैं, एक IAS है, एक IIT और एक IIM होता है। जी बिल्कुल। तो IIM बाकी बचा, बाकी दो आपने क्रैक कर लिए। और आपकी कॉलेज बड़ी खूबसूरत है, IIT, कुछ दिनों पहले IIT दिल्ली थे, हमने वहाँ खूब समय भी बिताया, बहुत अच्छा लगा। तो वो एक जगह भी ऐसी कि वहाँ से बड़े सपने पलते भी हैं, देश का दिल है, दिल्ली में बैठते सब लोग और जानते हैं कि उसका अपना एक क्या है। जर्नी तो आसान आपकी भी नहीं रही होगी IAS की। पहले तो वो IIT है, वो इकोसिस्टम तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है कि जिस हिसाब के लोग वहाँ पे आते हैं तो वो कुछ कर गुजरने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि आए हैं घूमे फिर रहे हैं। कॉलेज का सबसे फर्टाइल माइंड होता है वो, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जी। और ये UPSC की जर्नी की बात की है तो ये जर्नी पूरी उतार चढ़ाव वाली थी। जैसे 11 12th की बात करें तो वो एकदम स्मूथ पार्ट था, बिल्कुल स्मूथ पार्ट था। हाँ, कि वहाँ पे पता था कि जो कोचिंग में मैट्रिक्स में करवा रहे हैं वो करते जाओ, लिमिटेड सिलेबस था तो उस पे पकड़ होने के बाद में वो स्मूथली दो साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में है, तो ऐसा मानो कि एक अलग फील्ड में अलग चीजों में आपको पकड़ बना के और वहां पे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट के अंदर आना है। सही बात है। क्योंकि एवरेज तो कहां पे भी कोई व्यक्ति सीख ही सकता है, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वो भी ऐसे फील्ड जिसके बारे में कोई आइडिया ज्यादा हो नहीं, कि 10वीं क्लास में हिस्ट्री पढ़ा उसके बाद में उसका कहीं नामो निशान नहीं है अगले 7-8 साल में, फिर वहां पे वैसे चीजों में जाके पकड़। तो उसके कारण ये हुआ कि शुरुआत के 1-2 साल में काफ़ी समय लगा। और दूसरा ये है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि भटकने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, कि हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कितनी भी मेहनत करो, लेकिन 2 साल बाद में रियलाइज होता है कि अरे उस तरीके से तो होना ही नहीं था, क्योंकि आप गलत पाथ पे हो। सही बात है। और परीक्षा ऐसी है कि आपको 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूरा लिखना है। ठीक बात है। कितना भी पढ़ो अगर आप वो लिख नहीं पाओगे तब तक वो चीज का कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू नहीं है। नॉलेज भले ही आपके पास ज्यादा हो लेकिन एग्जाम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर 3rd अटेम्प्ट में जब मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो फिर अच्छे से बैठ के वही कि कहाँ गलती हो गई उसके बारे में सोचा और किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो फिर एक तो कि काफ़ी बढ़िया लोगों की किस्मत मानो कि उनकी संगति मिली, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जिन्होंने पहले से ही इस एग्जाम में काफ़ी बढ़िया कर रखा था, अविनाश कुमार और अमित कुमार, तो उनके गाइडेंस के कारण उन्होंने एक एक स्टेप बताया कि किस हिसाब से ये जो एग्जाम की डिमांड है वो अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4th अटेम्प्ट में फिर ये इंटरव्यू कॉल आने के बाद में रिजल्ट आ गया। तो साथियों का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसा बहुत बार हमें लगता है कि सफलता हमारी अकेले की है, पर वास्तव में देखा जाए तो
बचपन से लेकर सफलता के बड़े पायदान तक पहुंचने में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, पड़ोसी हैं, माता पिता है, टीचर्स हैं, स्कूल वाले टीचर्स हैं, कोचिंग वाले हैं, तो सब मिलाकर के इसमें इंजीनियरिंग के दौर का कितना योगदान रहा, पढ़ने के अभ्यास का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने के कॉन्फिडेंस को लेकर के, क्यों एक बंदा IIT क्रैक करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार IIT कर ली तो ठीक कर ही लेंगे सब, उसका फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि पहले डिसाइड करना था कि कौन सा ऑप्शनल मैं लूँ, तो उसी टाइम पे पेपर खोल के देखा, पेपर वन जो हमारे ऑप्शनल का है जी। तो उसको देखकर लगा कि अरे ये तो 11th 12th में सीखकर पढ़े हैं, वैसी सी ही चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि पेपर वन लगभग 70% ऐसा है कि जो पहले पढ़ा हुआ है, कवर हो जाए। तो वो देखते ही काफी मोटिवेशन आता है कि नहीं कर ले, ये हाँ कि यही वो ऑप्शनल है जहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ मैं। ठीक है। और दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की, वो पहले से बिल्ट थी, तो उसका फायदा मार्क्स में बाकी हर एक चीज में हुआ। तो मैथ्स में जब मैट्रिक्स में पढ़ते थे, मैथ्स कौन पढ़ाता था? अनिल गोरा सर पढ़ाते थे। बड़े टफ माने जाते हैं थोड़े से? वो देखने वालों के नजरिए के ऊपर है, पढ़ने वालों के लिए काफी नरम दिल इंसान है, और जिनको समझ ना आए उनके लिए काफी कठोर है। भाई होमवर्क पूरी चेक नहीं हुआ तो बोले अपनी उंगली घुमाई और बोले बच्चों को फिर डांटना शुरू। नहीं, उसमें हम बच जाते थे कई बार। ऐसा नहीं है कि हमारा भी होमवर्क कम्प्लीट होता था, लेकिन वो था कि हम लोगों का चेक नहीं करते थे, वो चेक करने दूसरी लाइन से चालू करते थे, और आपस में तो वो बच जाते थे क्योंकि बच्चे थे उस टाइम पे, तो बच्चे तो रहेंगे, वो अपनी हरकतें करेंगे। मैं मामा जी से कुछ सवाल लूंगा कि ऐसा माना जाता है, मामा भांजा का संबंध थोड़ा सा क्लोज माना जाता है, मित्रता का संबंध ज्यादा होता है। तो आज हिमांशु जो है वो बड़ी सफलता लेकर के बैठा है जी। आपका क्या अनुभव है हिमांशु को लेकर? हमारा अनुभव तो ये है कि जो हमारे कलेजा का टुकड़ा है, ठीक बात, एक लाल हमारा, ठीक बात है। और शुरू से ये रहा है कि ननियाल में इसका रुझान बहुत अच्छा रहा है। फिर ये नाना जी के क्या है कि जो सामाजिक तौर तरीके हैं, जो समाज को एक साथ लेके चलने वाली स्थितियां हैं, हाँ। तो इस चीज को देख के ये बड़ा इम्प्रेस होता है। अच्छा, नाना जी से। और ये जब भी इसको मौका मिलता है तो नाना जी के पास जरूर जाता है। नाना जी खूब खुश है? नाना जी तो आसमान भरे। बिल्कुल। बस एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर मेरे से पूछें कि किसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, या फिर कि जिनके बिना रह ही नहीं सकते, बचपन से सबसे ज्यादा लगाव है, हाँ। तो वो मेरे नाना जी ही हैं। अरे वाह। कि ऐसा है कि साल के 2 महीने फिक्स थे, जब भी गर्मियां हो नाना जी के पास जाओ, और उनके साथ मिलकर उनसे बात करके अलग ही सुकून मिलता है, और उनकी जो समझ है समाज को लेकर, परिवार को लेकर, वो काफी यूनिक है और काफी बढ़िया तरीके से साथ गांठ लेकर आगे चलने वाली, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज भी जाता हूँ तो सबसे ज्यादा उन्हीं से ही सीखने को मिलता है। 2 घंटे उनके पास बैठ जाओ, खूब ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके पास अनुभवों की बहुत पूंजी है। बिल्कुल चलती कि एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बड़ा भाई होता है अनुभव, और उनके पास जीवन के अनुभव जो है वो बहुत गहरे हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी भी हैं। सर आप भी शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके हाथों से पढ़ करके देश सेवा के लिए आगे निकलते हैं। तो यूं तो देखा जाए तो ऑब्वियसली भाई हिमांशु का अनुभव तो एक बड़ा अनुभव यही है, पर आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में अपने करियर को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने में आप जैसे शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। आज चूंकि आप हमारे साथ में बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना कुछ इसमें अनुभव साझा करें। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैट्रिक्स के जो टीम आई हुई उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो हमने सपना सोचा था, बिरजू जी सिंगर जो सूरज भाभी जी ने सपना को मिल के उस सपने को साकार करके मैट्रिक्स ने ऑल इंडिया 45 रैंक दी जी। पर इस बात की हमें पूरा पूर्ण विश्वास दिलाया, गोरा साहब ने, काका जी ने, सब लोग जो बॉक्स साहब सब बैठे थे हम लोग, कि आप हम पर विश्वास करिए, वो विश्वास जो रिजल्ट देंगे जो देखा है उसको कायम भी किया उन्होंने जी। आज के जनरेशन के अंदर सर हमारे पास बच्चे 12th करके निकलते हैं, कोई 10th करके बच्चा निकलना चाहता है, उसके लिए सोच समझने के एक तरीका अलग होता है कि कीमत किस चीज को फैसला लूंगी। सही बात है। तो वो फैसला नहीं ले पाते उस चीज के लिए, कुछ बच्चों को तो हम ये चाहते हैं कि भाई 11th के साथ साथ आप कोचिंग कर लो, कुछ गार्जियंस की ये रहती है कि भाई हम 11th ढंग से कराए उसके बाद इसकी तैयारी कराने के लिए जाते हैं बच्चे, तो वो फैसला बच्चे ले नहीं पाते ना गार्जियंस ले पाते। लेकिन हिमांशु ने जो चीज बताई 11th के साथ में जो चीज थी वो ज्यादा बेटर थी, और इसी चीज के लिए मेरी बेटी भी 10th का एग्जाम दिया, 11th मारी थी, तो हम सर से कह रहा था कि सर
हिमांशु का सपना जो अपने सोचा था 10 साल पहले वो तो अपने साकार हो गया अपना, क्यों ना इसको भी अपन छोटे उस गुड़िया को देखते हैं। तो बोले क्यों नहीं, बोले बेटी बोले आज यही आ जाते नहीं, नहीं आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स में सर हमारे स्कूल से भी काफी बच्चे करे 10-15 बच्चे जो यहाँ से हमारे पास आउट हुए या 10th से 12th में गए हैं। जी जी काफी बच्चों ने अच्छी रैंक दी है सर। करौली से भी था बच्चा एक बड़े भाग्य सिंह गुजर था जी, उस बच्चे की भी अच्छी रैंक आई थी आपके मैट्रिक्स में। एक सूर्यगढ़ से था बच्चा एक अतीक कुमार को लड़का भी अच्छी रैंक लेके गया था सर आप लोगों से। तो जो हमने जो मैट्रिक्स के अंदर जो बच्चे हमारे स्कूल से पास आउट हुए या 10th के बाद जो गए हैं मैट्रिक्स में उसका शानदार रिजल्ट दिया है आईआईटी के अंदर सर, और रिजल्ट दोनों का काफी अच्छा निकल रहा है सर। जी 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 नहीं ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों के ही आशीर्वाद है कि 2014 में जब हिमांशु का बैच था तो बहुत लिमिटेड बच्चे थे, 200-300 बच्चे 400 बच्चे के लगभग था। अभी शुरुआत सर उसमें हम सब भी बैठे थे कोटा जाए मैडम को अभिजी को छोड़ा जाए वहाँ पर जी, लेकिन जस्ट जैसे ही वो सर जो हमारी मुलाकात थी बहुत साहब आए थे डाकर जी थे साहब थे जी सारी टीम थी आईआईटी के सारे 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 यंग पर हमें बड़ा मिलते जैसे विश्वास सा हुआ कि यार अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो हिमांशु को ये कहा कि 10th के बाद तो ये था कि बड़ा पद्धति दो चार दिन क्लास लेके देखेंगे तो क्या पता सर यही सेटल हो जाए दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने को। जी 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 और वो जो रिजल्ट आया 45 रैंक आई थी उससे मुझे बड़ी खुशी मिली थी चीज के। सही बात है, बहुत शानदार रिजल्ट दिया मैट्रिक्स ने चीज के लिए। और वो ये कि देखो जब पहले बैच से 300-400 बच्चे थे आज लग रहा था इस चीज का कि क्या होगा क्या नहीं होगा कि वे रैंक कहीं नीचे तो ना जाए, 100 की मान रहे थे वो सर लोग तो, लेकिन हमारे सर ने जब बिल्कुल जैसे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई रैंक 10,000 तक आ जाए तो भी हम तो सुन देखो बच्चे की मेहनत भी थी कोचिंग की भी मेहनत थी आप सबका कोऑपरेशन बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांशु एक दो सवाल और आपसे लूंगा मैं, बहुत सारे लोगों के लिए अब हिमांशु एक रोल मॉडल की तरह है, अब उनको लगता है कि यदि वो भी कोई तैयारी करें अपने 10th के बाद में या 12th के बाद में या फिर आगे मान लो आगे की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपसे राय भी लेंगे, उनको लगता है भी आप इस पाथ पर चले हो और वहां पर पहुंचे भी हो तो आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, तो जो आपके छोटे भाई बहन है यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे किस तरह से स्टडी करें या स्टडी करते समय क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जो भी हो सकते हैं उस पे क्या एक एक कोई पॉइंट बताओ आप। पहला तो ये है कि आज के टाइम पे लोग कैलकुलेटेड स्टडी करते हैं कि मैं ये करूंगा इसमें यहाँ पे इतने मार्क्स आने चाहिए यहाँ पे इतने आ जाएंगे ये तीनों मिलके कुछ ना कुछ बढ़िया चीज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिशन ऐसा है कि जिसके अंदर कैलकुलेटेड स्टडी का कोई मतलब नहीं है, आखिरी दिन कुछ भी खराब हो सकता है कुछ भी बेटर हो सकता है, तो जो कैलकुलेशन है एग्जाम से पहले वो छोड़कर हर एक चीज के अंदर अपना पूरा एफर्ट लगाना। ठीक है, और उसके अलावा डूज एंड डोंट के अंदर अगर 11th 12th की बात की जाए स्पेसिफिकली तो सोशल मीडिया का उनके जीवन में कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं रहता है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। टाइम मैनेजमेंट उस चीज़ में कि कितने घंटे मैं क्या कर सकता हूँ वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेटर उनके लिए तो वो चीज़ अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी वाला थोड़ा वैसा रह गया कि आपको करंट एस्पेक्ट्स ऑफ इश्यूज हैं उनसे अवेयर रहना चाहिए, तो हम लोग नहीं उससे टोटली अलग हो सकते हैं। सही बात, आपको दूर रहना पड़ेगा। हाँ, और उसके अलावा लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ क्यों करनी है, क्योंकि अगर उनको ये क्लियर नहीं है कि क्यों करनी है तो प्रोसेस इतनी लंबी रहती है कोई भी एग्जाम की, एक साल दो साल डीमोटिवेट होकर भटकने के चांसेस रहते हैं, तो वो इंटरनली खुद को स्ट्रोंग होकर कैसी भी सिचुएशन आए उसको फेस करके साथ में आगे बढ़ना। ठीक बात है, तो यही मैं बोलना चाहूँगा। चलिए एक फाइनल कमेंट अपन सरोज जी से भी लेंगे क्योंकि आप खुद शिक्षिका हैं और चूंकि आपकी माता जी भी हैं तो इनके पास तो डबल अनुभव है, माँ का अनुभव अलग है एक शिक्षिका का अनुभव अलग है, तो आप भी कोई बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। बच्चों के लिए मैसेज तो यही है कि बच्चे में अपन जितना हो सके उनको मोटिवेट करें जी, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको ये नहीं कि उनको रटाते जाओ, उनको समझाओ कोई चीज़। सही बात है, और मोटिवेशन है वो देते रहो, मोबाइल है वो इनसे तो एकदम दूर रखना बच्चों। हाँ, स्कूलिंग तक तो दूर ही रहे तो बढ़िया है। हाँ, सीनियर तक कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सीनियर। हाँ, बच्चे के पास मोबाइल हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और मटेरियल खूब पढ़ने के लिए मोबाइल की कोई जरूरी नहीं है, बच्चों को बस मोटिवेट करते रहो कि कहीं भटक नहीं जाए, बस ये है और तो क्या। चलिए आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक वीडियो देखा जिसमें फतेहपुर के पास में छोटा सा गांव है नांगली, वहां से निकल करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए झुंझुनू में आकर के किसान कॉलोनी में वर्तमान में आप निवास कर रहे हैं, बीरबल जी सरोज जी हैं, उनका
बच्चा है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये बच्चा हमारा भी इसलिए बच्चा है कि इसने आईआईटी हमारे पास से करी और आज भी परिवार बिल्कुल वैसे जुड़ा हुआ है जैसे अपना घर हो। और आज इस बच्चे ने बड़ी सफलताएं पाई है। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए भले ही आप कितने ट्रिक्स लगा लें पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए सिंसियरिटी डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है। इसी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन का रीजन है कि एक बच्चे ने 45th रैंक जेई एडवांस ओबीसी में लेने के बाद आज आईएएस में भी वो बच्चा सेलेक्ट हो गया और निश्चित रूप से जहां पर भी जाएगा भविष्य में भी ये बच्चा बहुत कुछ लेगा। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में निकल करके आई कि आज भी अपने नाना जी के पास बैठता है और जीवन के वो अनुभव वो सूत्र सीखता है जो सूत्र शायद आपको कोई स्कूल कोई कोचिंग कोई क्लासेस कभी नहीं सिखा सकती। जीवन के अनुभव लेकर के उनको धरातल पर उतारना यही एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है। उसमें हिमांशु को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बीरबल जी उनके पूरे परिवार सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपेक्षा है कि जिन जिन बच्चों के सपने हैं कि वाकई में हमें बड़ा करना है अपने मन को थोड़ा दृढ़ करिए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और यदि आपका ऐसा कोई सपना है तो हम तो आपके लिए सदैव तैयार ही हैं, जरूर पधारें। शायद बीरबल जी के मन में कोई उद्गार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, प्लीज सर बताएं। देखो मैट्रिक्स के प्रति मतलब इतना लगाव हो गया जी, पहले मैट्रिक्स ने आईआईटी में जबरदस्त धमाका किया जी, जबरदस्त है जी, इतिहास रचा जी, उसके बाद मेडिकल में और भी जोरदार किया जी। अब मेरी यही इच्छा है जी मैट्रिक्स से एक आईएएस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम एक मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकते, एक मिनट भी अपने सिस्टम को कमजोर नहीं पड़ने दे सकते। इसके लिए हम हर दिन हर पल प्रयास करते हैं और इन प्रयासों का नतीजा है कि ऐसे बच्चे निकलते हैं जो हमें गौरव प्रदान करते हैं। तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और फिर से कहूंगा कि ऐसे बच्चे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए गौरव होते हैं क्योंकि औरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।